नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन 24। बिहार इलेक्शन तो गुजर गया, अब सबकी निगाहें बंगाल असेंबली इलेक्शन पर टिकी हुई है। लेकिन जाते जाते बिहार असेंबली इलेक्शन ने यह सबक दे दिया कि अगर आरजेडी कांग्रेस को इतनी सीट नहीं देती और टिकट बांटते वक्त मुसलमानों को तरजीह देती तो एमआईएम 5 सीटों पर कामयाब नहीं हो सकती। एमआईएम को रोकने के लिए अब ये आवाज़ उठने लगी है कि अकलियती आबादी वाले इलाके में अकलियत को ही टिकट दी जाए। अकलियत के वोट के बिखराव को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस की जानिब से एक प्रेस मीट मुनाकिद की गई और ये ख्वाहिश जाहिर की गई। आइए तफसील रिपोर्ट अपने नुमाइंदे के साथ देखते हैं। आज उन लोग को एक सबक लेने का दिन ये है कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इस देश का जो हुआ था वो मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये भी बात याद रखने होगा कि इस देश का पहला जो राष्ट्रपति हुआ था राजेंद्र प्रसाद, वो भी एक मदरसा में तालीम हासिल किए थे बिहार के। तो मुस्लिम को समाज के ऊपर बदनाम करने का जो साजिश चल रहा था, ये आवाज हमारा सही से असेंबली तक पार्लियामेंट तक पहुंचे, इसलिए हर जगह नुमाइंदगी होना चाहिए। अभी आपका रवि हमारे बोल रहे थे उस समय में हमारे प्रेस बंधु ने सवाल किए कि आसनसोल नॉर्थ विधानसभा में माइनॉरिटी एमएलए कैंडिडेट का डिमांड क्यों। ये आपको मालूम होना चाहिए पूरा देश भर में जो स्टेट का 34 होता है, उस 34 के हिसाब से उस देश उस राष्ट्र राज्य में जो कट्ठा का होता है एक पैमाना किया जाता है। ठीक उसी तरह से जिस जगह पर हम लोग हैं कोई डिमांड करने से पहले देखने होगा कि वहां पर संख्या कितना है। हमारे इस राज्य के अंदर में मंगलकोट में हमारे फराद हकीम जिस इलाके में है, कलड़ा के उस इलाके में और इस तरह से हाजी नूर इस्लाम, बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे संख्या लोगों मुस्लिम का आबादी ज्यादा है वहां पर हम लोग का तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी ने इन लोगों को मुस्लिम कैंडिडेट भी बनाया विधायक का और जितने लोग मिनिस्टर भी बने काम भी कर रहे हैं। हमारा जो पश्चिम बर्धमान जिला है इस जिले के अंदर में जो हमारा विधानसभा है कुल्टी और रानीगंज जो भी है इसमें हमारा नॉर्थ से जो विधानसभा है यहाँ पर हमारा संख्या लोगों मुस्लिम भाइयों का आबादी ज्यादा है और खासतौर से कलकत्ता और इस्लामपुर के बाद ये जो विधानसभा है इस विधानसभा में उर्दू बोलने वालों की आबादी ज्यादा है। इसलिए आपने देखा है कि उर्दू को जब सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया तो इस्लामपुर और कलकत्ता के साथ आसनसोल को भी दिया गया। इसलिए हम लोगों का ये डिमांड है कि आज हम लोग पूरा माइनॉरिटी तृणमूल के साथ है, हम लोग किसी भी तरह का कोई भी चाहे वो वैसी हो या और कोई दूसरा राजनीतिक दल हो पश्चिम बंगाल की जमीन पर आना के यहाँ पर फिरका परस्त ताकत को अगर मजबूत करना चाहेगा तो हम लोग उसके लिए एक इंच जगह भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारा जो मुस्लिम समाज है माइनॉरिटी तबका के जो लोग हैं ये उनकी आवाज विधानसभा तक पहुंचे, उनका मांग पहुंचे, उनके लिए आज जो रोजगार का मसला है हमारे लिए जो तालीम का मसला है, हमारे यहाँ पर जो सेहत का निजाम हमारे उस नॉर्थ इलाका से कई किलोमीटर दूर चल के आने पड़ता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। किसी जमाने में वामफ्रंट का सरकार था उस समय में भी हम लोग आवाज लगाया, नहीं वो वादा पूरा हुआ, परिवर्तन हुआ है और आज भी हम लोग ये चाह रहे और दीदी ने बहुत सारा काम भी किया है। ममता बनर्जी की सरकार ने जो काम की है अगर इसका इतिहास गिनाना शुरू किया जाए तो घंटों बीत जाएगा जो काम हुआ है। हम लोग को ये आशा है भरसा है कि इनसे जो कामे हुए ये काम भी होगा हमारा पूरा। लेकिन हमारा ये आवाज वहां तक पहुंच पाए इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस जिले के अंदर में भी एक माइनॉरिटी एमएलए कैंडिडेट हो और नॉर्थ विधानसभा चूंकि यहाँ पर माइनॉरिटीज का संख्या ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, इसलिए माइनॉरिटी कैंडिडेट इस विधानसभा से दिया जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग जो यहाँ बैठे हम लोग में से किसी को भी कैंडिडेट किया जाए। हमारे पुराने सीनियर नेता यहाँ पर मौजूद है सैफुद्दीन भाई, एक अपोजिशन लीडर भी कॉर्पोरेशन में रह चुके, काफी तजुर्बा के मालिक हैं, ऐसे ऐसे लोगों हैं। लेकिन आज क्या वजह है ये नॉर्थ में ये सिचुएशन पैदा, आम लोग इस्लामपुर बुदा ये जो जो जहां पर हमारा उर्दू भाषी मुस्लिम या माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं कुछ कहीं ना कहीं उसे डिप्राइड हो जा रहे हैं, तो हमारी आवाज वहां तक पहुंचे इसलिए हम लोग ये चाहते हैं। आज इस एजुकेशन डे के मौका पर अबुल कलाम आजाद को जब हम लोग याद कर रहे हैं, जब पहला एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आजाद को बनाया जा सकता है इस स्वाधीन भारत का, जब पहला राष्ट्रपति एक मदरसे से तालीम हासिल करने वाला राजेंद्र प्रसाद को बनाया जा सकता है तो इस नॉर्थ विधानसभा में एक मुस्लिम नुमाइंदा एमएलए के लिए क्यों नहीं किया जा सकता है, ये हम आशा करते हैं। ताकि अवैसी जैसे शख्सियत को जो फिरका परस्त फैलाने की साजिश कर रहा है उसको हम लोग मुंह तोड़ जवाब दे सके। इन्हीं चंद बातों के साथ में हम सबका शुक्रिया अदा करते हुए जस्ट आपसे एक सवाल कर रहे हैं।